थाने थाना क्षेत्र के बड़ोरा रामटीहरा गांव निवासी राजकुमारी देवी के घर में करंट लगने से मौत हो गई, जिसे अंत परीक्षण के लिए आना सदर अस्पताल लाया गया। क्या कहना है आइए सुनते हैं। कोई नहीं आता गिरा रही गाड़ी में ठंगा रही उसके बाद में कोई नहीं आता करना सरकार के बेबे तो बोर्ड जी कोई नहीं प्लग खींच के हटा लिया उसके बाद गिरा लिया तो उठा उठा के सब आता लड़ाई है उसके बाद में गाड़ी लग के लेके आई। मैंने इनकर मृत्यु कहाँ भैया ऐजा भैया के हॉस्पिटल में भैया सदर ऐजे भैया। क्या नाम बा इनकर? राजकुमार। कहाँ का है? बड़ोगरा रामडीहर। कौन थाना में पड़ेगा? राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जो आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर समापन किया जाएगा। वही एनसीसी बटालियन आरा के कर्नल विनोद जोशी ने हरी झंडी दिखाकर वीरकुंवर सिंह पार्क से स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं। अभी अंदर सफाई करते हैं। मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ बाइक ले लीजिए, कैमरा ही नहीं होगा, मोबाइल लीजिए। छोटा सा ये लेंगे, पहले हाइट देखेंगे, फिर रिटर्न होगा, फिर हम आपका फिजिकल कराएंगे। समझ में आ रहा है? फिजिकल में हमारा सेटअप होता है, पुशअप होता है, ठीक है, वो हम कराएंगे और रन होगा। समझ में आया? सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का मतलब है कि आपने कोई रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, आपका केवल दौड़ होना चाहिए। और ये सफाई का पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, एनसीसी के हैं और कई लोग इसमें शामिल है, क्या करेंगे? ये राज्य स्तर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जो आज से शुरू है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे ख़त्म होगा। 5 बिहार एनसीसी बटालियन आरा इस पे तन्मयता के साथ कार्य कर रही है, जो राज्य सरकार से दिशा निर्देश हुए हैं। इसमें सफाई में कौन कौन से विभाग से? इसमें स्काउट्स एंड गाइड, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र, उनको भी शामिल किया है। अभी सर केवल एनसीसी के ही कैडेट्स दिखाई दे रहे हैं? अभी ये हमारा आज उद्घाटन हुआ है और स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के पार्क से हम सफाई का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के कुछ दिशा निर्देश हैं, लोग ओपन में शौच करते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे एनसीसी कैडेट जो करीब 2500 के आसपास हैं, विभिन्न वार्ड में और विभिन्न पंचायत में उस पर कार्य करेंगे। सुबह 4:30 बजे से 7:30 बजे तक और संध्या काल में शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक। तो हम सीटी द्वारा, नगाड़े द्वारा और पोस्टर द्वारा और लोगों का आह्वान करके शौच बाहर ना करें, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं, उसके बारे में हम जागरूक करेंगे भोजपुर की जनता को।